नाम शुभ नाम का ललती नागरनौले है, है? गांव का नाम पोकड़ी जी। प्रधान जी के द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। हाँ है? हाँ लोग सहायता कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। हाँ है? हाँ जी उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, कोई उनके द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, ये गलत है सही है? ना कोई गलती बा, गाँव ना और सब ठीक है बा। ठीक है तो कोई बात नहीं ना ये कोई बात। मनीष पासवान पूरा अपना डील पता बताइए। मैं ग्राम प्रताप प्रधान प्रतिनिधि ग्राम मनीष पासवान ग्राम पकड़ी पुष्पफला जिला बलिया। आपकी ग्राम सभा की आबादी कितनी है? 1400। कोटा कितना है? कोटा राशन की दुकान है एक। सही से राशन वितरण हो रहा है? राशन वितरण सही हो रहा है, मतलब कि सब फ्री में जो जो भी सरकार की व्यवस्था है सब उचित मिल रहा है, मतलब दिया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं आप ग्राम सभा से विदेश से आने राज्य से आने जिले से कितने लोग आए हैं? विदेश से तो अभी मान लीजिए कोई नहीं आया है, राज्य से एक दो ठो आए थे तो उनका मान लीजिए जांच कराया गया जो सही उनको मान लीजिए इलाज हुआ। जी 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 आपकी ग्राम सभा में असहाय या गरीब कितने लोग हैं? रोज खाने खाने वाले ये 2-400 होंगे। उनकी जीविका कैसे चल रही है? उनकी जीविका कैसे चल रही है? उनकी जीविका जो मान लीजिए सरकार जो मान लीजिए फ्री में राशन पत्ती दे रही है, मान लीजिए आपके द्वारा गरीबों की क्या मदद की जा रही है? अपने ग्राम सभा के लिए क्या पहल कर रहे हैं इस महामारी में? मान लीजिए बता रहे हैं सब मान लीजिए जो क्या नैसे में रहना है। किस तरह शासन का आदेश था ग्राम प्रधान ग्राम सचिव सफाई कर्मी सफाई अपने ग्राम सभा सफाई सफाई रखेंगे बढ़िया से दवा छिड़काव कराएंगे पाउडर छिड़कवाएंगे सैनिटाइजर छिड़कवाएंगे इस तमाम तरह के क्या अभी तो पहल हुई है कि नहीं? नहीं मैंने जो पाउडर छिटवाए थे ब्लीचिंग पाउडर जो सफाई कर्मी हमारे यहाँ छिटे थे। बाकी मास्क सब साबुन वितरण किया कि नहीं? मास्क उसका भी अभी ब्लॉक व्लाक से आया नहीं था, अभी सचिव मैंने उनका मैंने अभी आने वाला है। आपकी ग्राम सभा पानी की किस तरह व्यवस्था है? पानी 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 की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है कि नहीं हो या ना? हाँ, पानी की व्यवस्था है जी। हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा से में आपके द्वारा असहाय या गरीबों के हाथ तक मदद की जा रही है? बहुत सहाय किए जाते हैं, दवा बीड़ी जी बीमार पड़ला है ओकरा बताइए ओके देखभाल कोई। नाम दुर्गा राम जी प्रधान जी हैं। हाँ इस ग्राम सभा में आपके द्वारा कितनी पहल की जा रही है? पहल मतलब असहाय गरीबों के लिए इस मान लीजिए कोई बीमार पड़ता है उसके दवा बीरों को 2-4-5 हज़ार देते हैं, हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं उसको देखभाल करते हैं, कोई परेशानी में फंस गया तो उसको भी 10 हज़ार चलते हैं और बातों गरीबों के हम लोग बातों सहाय करते हैं उसको बातों। जी जी हम आपसे जानना चाहते हैं लॉकडाउन 3 महीने 3 मई के बाद बढ़ता है तो आपका ऐसी तरह पहल रहेगा जिस आज चल रहा है? तीन मई के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो ग्राम सभा के हित के लिए आगे इसी तरह करेंगे कार्य? अब कार्य मान लीजिए कि जब रुक गया है हर कार्य तो हम लोग क्या करेंगे? सहयोग हाँ यही तरह मान लीजिए अब तो कोई अब लास्ट सवाल पूछ रहे हैं। हम आपके ग्राम सभा में इसलिए आपके यहाँ आई है अब ग्राम सभा से किसी ने ये सूचना प्राप्त की थी ग्राम सभा की स्थिति दयनीय है, जो बाहर से आते हैं प्रधान जैसे कोई पहल नहीं करते हैं, दवा छिड़काव सैनिटाइजर जैसे मास्क वितरण समूह नहीं करते हैं, ग्राम प्रधान जी अपने रहते खाली अपनी जिम्मे जानते हैं गाँव की चीजें कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके यहाँ इस पर 2 लाइन ये बता दीजिए कि कहाँ तक सही है। हाँ नहीं दवा छिड़काव कराए हैं कोई बाहर से आ गया है उसको सूचना भी दे रहे हैं हम दिवा दिए हैं थाना पर्चा हॉस्पिटल में उसके बाद कोई बीमारी हमारी
इसी मान लीजिए कि जो है लाख बा इसी लाख में हम लोग परेशानी में भी है, तब किसी को सहयोग या किसी को हेल्प कर रहे हैं। कोई बीमार पड़ गया, कोई परेशानी में आ गया तो उसको भी चलना देखना है। एक मिनट, इसका मतलब आप बेबुनियाद मानते हैं आपके अनुसार जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है? हाँ जी ठीक। आप मान लेते हैं इस महामारी में भी लोग राजनीति कर रहे हैं पंचायत चुनाव में? करीब है। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।